जब भी कोई त्यौहार आता है या मेहमान आने वाले होते हैं तो हम अक्सर सूजी का हलवा बनाते हैं, पर आज का सूजी का हलवा ना एकदम डिफरेंट तरीके से बनने वाला है, एकदम रसीला, जूसी, सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ मैंने एक बोल में आधा कप रवा या सूजी लिए, तो ये नॉर्मल वाला है, अगर आपके पास बारीक वाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी ली है, तो मैं इसमें नाप के बिल्कुल आधा कप दूध डाल रही हूँ, और ये दूध पहले से उबला है और ये उबालने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था, और बस सूजी को हम इसमें थोड़ा सा घोल देंगे और हम इसको साइड में रखेंगे। और आइए फटाफट इसके लिए चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप शक्कर लिया है, तो जितनी मैंने सूजी ली थी बिल्कुल उतना ही शक्कर लिया है, और उससे चार गुना पानी लिया है, तो यहाँ पर मैं दो कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम इस शक्कर को इस पानी में घोल लेंगे और इसमें एक उबाला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है, पर हमें कोई तार नहीं चाहिए, बस इसको हल्का सा थिक करना है। तो इस टाइम पे ना हम इसमें थोड़ा सा केसर डाल देंगे, इससे क्या होगा ना हलवे में बहुत अच्छा कलर भी आएगा और खुशबू भी आएगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है और पानी में भी उबाल आ गया है, तो हम इसको कवर कर देंगे और इसको ढककर साइड में रख देंगे जिससे कि ये चाशनी गर्म रहे। और आइए फटाफट अब सूजी को भूनते हैं। तो हलवा बनाने के पहले हम क्या करेंगे ना, कढ़ाई में थोड़े से नट्स फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने करीब एक चम्मच देसी घी डाला है इसमें, और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए बादाम। बादाम को हम हल्का सा सुनहरा भून लेंगे, तो आप इसमें कच्चे नट्स भी डाल सकते हो, पर अगर थोड़ा सा फ्राई करके डालेंगे ना तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, नट्स का जो क्रंचीनेस है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखिए बादाम हल्के से भुन गए हैं, इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे कटे हुए काजू। तो जो नट्स है ना उनका भुनने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए मैं इनको अलग अलग डाल रही हूँ। बादाम को भुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और काजू जो है थोड़े जल्दी भुन जाते हैं। तो ये देखिए हमारे काजू भी हल्के से भुन गए हैं। यहाँ पर मेरे पास है सूखा वाला गोला या नारियल, तो नट्स तो अपनी पसंद के आप कोई भी डाल सकते हैं, और बस इनको हम फटाफट भून लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो मेवा है भुन के तैयार है, हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इस पैन में हम फिर से डाल देंगे चार बड़े चम्मच घी, मतलब चार टेबल स्पून घी, और इस घी में हम डाल देंगे दूध और सूजी का मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया था। तो हलवा ना घी में ही बनता है, और थोड़ा ज़्यादा घी लगता है हलवा बनने में, अगर आप कम घी में बनाएंगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा उसमें। और बस इस सूजी को अब हम घी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ना आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा धीरे कर दें जिससे कि सूजी में लम्ब्स ना आए, और इसको लगातार इस तरह से चलाएँ आप। तो बस इसको इस तरह से आप स्पैचुला से दबाते जाएँ और भूनते जाएँ, तो आप कुछ ही देर में देखेंगे ना सूजी जो है सारा घी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो सूजी है ना उसने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बस अब हमें क्या करना है ना, इसको लगातार चलाते हुए ना अच्छे से भूनना है, और इसको ध्यान रखना है कि आप इसको नॉनस्टॉप चलाते रहें, नहीं तो क्या होगा ना ये कढ़ाई के बेस पे चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो ये देखिए मैंने करीब 10 से 12 मिनट तक हलवे को मीडियम लो फ्लेम पे भुना था, और आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कैसी हो गई है। हमने इसमें जितना भी घी डाला था ना अब वो सब अच्छे से ऊपर आ गया है, और हमारी सूजी ना रवीली हो गई है बिल्कुल। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे चाशनी, तो पहले हम एकदम थोड़ी सी चाशनी डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना हमारा जो सूजी है ना वो बहुत अच्छे से फूल जाएगी, और हलवा खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो एक बार मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है, और अब हम क्या करेंगे धीरे धीरे करके इसमें बची हुई चाशनी भी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो हलवा ना बहुत तरीके से बनता है, और ये जो हलवा है बहुत ही सॉफ्ट बनता है खाने में और एकदम मेल्ट इन माउथ, और जो खाली हम पानी वाला हलवा बनाते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो एक बार सब ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस अब हम सूजी को अच्छे से पानी में उबालेंगे और इसको थिक करेंगे। तो जो हलवे का कलर है ना वो डिपेंड करता है कि आपको अगर डार्क चाहिए तो आप सूजी को ना थोड़ा सा ज़्यादा भून सकते थे, मुझे इतना कलर परफेक्ट लगता है तो इसलिए मैंने इसको इतना ही भूना है। तो जो आज मैंने प्रपोर्शन रखा है इस हलवे में, तो जितनी मैंने सूजी ली थी उतनी ही शक्कर, और उससे चार गुना पानी। तो मोस्टली शक्कर का अमाउंट मुझे उतना पसंद है जितना कि सूजी का अमाउंट है। अगर आप थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो आप शक्कर थोड़ी कम डालें। तो ये देखिए मैंने करीब 10 मिनट तक हलवे को और भूना, और आप देख सकते हैं इसने बहुत अच्छे से घी रिलीज़ कर दिया है। और अब हमें क्या करना है, जो हमने नट्स काट के रखे थे ना उसमें से थोड़े नट्स मैंने बचा लिए हैं सजाने के लिए ऊपर, और बाकी नट्स मैंने इसमें डाल दिए। इसको हम मिक्स कर देंगे, और ये देखिए हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है।
और आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी और जूसी बनता है। नॉर्मल क्या होता है ना, सूजी का हलवा थोड़ा सा जब आप रख देते हो थोड़ा सा सूखा सूखा या हार्ड हो जाता है। आप ये वाला हलवा ट्राई करिएगा, ये ठंडा होने के बाद भी ना ऐसे ही रहेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ट्राई करिएगा आज की रेसिपी और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।